6 दिसंबर 1956 इस दिन बाबा साहेब अंबेडकर का निधन हो गया था। भारत के शोषितों और कमजोर तबकों के संरक्षक डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का जाना उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। अपना अस्तित्व बचाने और पढ़ाई के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का संघर्ष, दलितों के उत्थान के लिए उनके प्रयास और आजाद भारत के संविधान के निर्माण में उनका योगदान बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। उनके लिए ये सफर बहुत मुश्किल रहा था। इस पूरे सफर के दौरान बाबा साहेब कई बीमारियों से जूझते रहे थे। वो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, न्यूराइटिस और अर्थराइटिस जैसी लाइलाज बीमारियों से पीड़ित थे। बता दें कि डायबिटीज के चलते उनका शरीर बेहद कमजोर हो गया था। गठिया की बीमारी के चलते वो कई कई रातों तक बिस्तर पर दर्द से परेशान रहते थे। जब हम बाबा साहेब अंबेडकर की जिंदगी के कुछ घंटों के बारे में बात करते हैं तो पता चलता है कि उनकी सेहत किस कदर बिगड़ी हुई थी। बाबा साहेब ने 6 दिसंबर 1956 को सुबह के वक्त सोते हुए आखिरी सांस ली थी। बता दें कि बाबा साहेब अंबेडकर के अखबार मुकनायक के 100 साल डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का आखिरी सार्वजनिक कार्यक्रम राज्यसभा की कार्यवाही में शिरकत करने का था। नवंबर के आखिरी 3 हफ्तों के दौरान बाबा साहेब दिल्ली से बाहर थे। 12 नवंबर को वो पटना होते हुए काठमांडू के लिए रवाना हुए थे। 14 नवंबर को काठमांडू में विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ था। बाबा साहेब के साथ उनके डॉक्टर मालवंकर थे। उन्होंने बाबा साहेब की सेहत जांची और कहा कि अगर बाबा साहेब संसद की कार्यवाही में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें कोई एतराज नहीं है। 4 दिसंबर को बाबा साहेब संसद राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा लिया और दोपहर बाद लौट आए। लंच के बाद वो सो गए। ये बाबा साहेब का संसद का आखिरी दौरा था।